हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेट गेम की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में कि हमें सीजन 2 में क्या नया देखने मिलेगा और क्या सभी जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड है उनके जवाब हमें सीजन 2 में मिलेगा या नहीं। तो उन सब बातों की डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, तो आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि जितनी भी बातें होगी इस वीडियो में वो सभी सीजन 1 से रिलेटेड होगी, यानी हम सीजन 1 की काफी डीप में जाएंगे और वो सारी डिटेल कैसे जाकर कनेक्ट होगी सीजन 2 से उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पहले जाकर सीजन 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ आए। वेल, तो आप अब भी यहां पर है इसका मतलब है कि आपने सीजन 1 पूरा देख लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्रेट गेम की एंडिंग एक्सप्लेन। वेल, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जितनी भी कास्टिंग सीजन 1 में मरी है वो सभी हमें सीजन 2 में दिखाए जाएंगे या नहीं। तो जवाब है सभी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर मरे हैं जैसे कि बंटी, जोजो, मथु त्रिवेदी और गणेश गायतोंडे, ये सभी कैरेक्टर्स डेफिनेटली रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स पास के थे। और जो प्रेजेंट में मरे हैं जैसे कि कांस्टेबल केलकर और अंजलि माथुर, ये दोनों रिटर्न नहीं आने वाले इसके सीजन 2 में। तो सीजन 1 ने हमें काफी कंफ्यूज कर रखा है कि हमें सीजन 2 में क्या देखने मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब ये सीजन खत्म हुआ था तो हमें पता चला था कि सीजन 1 में ही त्रिवेदी मर चुका है। और सारे सीजन में हमें ये पता लग रहा था कि जितने भी मुंबई में लोग रहते हैं वो सभी लोग मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो यहाँ पर लगता है कि मुझे गायतोंडे ने पहले त्रिवेदी को मारा, उसके बाद जोजो को, क्योंकि जोजो ऐसा कुछ जानती थी जो वो गायतोंडे से छुपा रही थी पिछले कई सालों से। तो एक हिसाब से देखा जाए सेक्रेट गेम की सीरीज का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि गुरुजी है, यानी गायतोंडे का तीसरा बाप, जिसने ये सारी प्लानिंग कर रखी है। और उसी ने ही गायतोंडे को जेल में फंसाया था ताकि वो पूरी तरीके से टूट जाए। उसके बाद जब गायतोंडे के पास जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी तब वहाँ पर गुरुजी उसे जीने का मतलब समझाएंगे, जिसके बाद गायतोंडे गुरुजी को अपना बाप मानने लगेगा। लेकिन गुरुजी को गायतोंडे किसी भी कीमत में चाहिए था, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। वेल, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गायतोंडे और उसके साथियों को मेलकन क्यों मार रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेलकन को ये काम विपिन भोसले ने दिया है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आपने पूरे सीजन में ये नोटिस किया होगा कि विपिन भोसले मुसलमानों से काफी चिढ़ता है, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदूवाद है। इसलिए वो सीजन के एंड में ये भी कहता है कि लड़ाई हम नहीं शुरू करेंगे, जब अगर सामने से कुछ होगा तभी हम कुछ करेंगे। यानी यहाँ पर काफी अच्छी खासी प्लानिंग हो गई है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि विपिन भोसले ने वो सारे हथियार इसी के लिए लाकर रखे थे ताकि जब देश में इमरजेंसी शुरू हो तो वो लोग ये सारे हथियार आम लोगों को बांट देंगे, जिसके बाद मुंबई शहर में काफी लोग मारे जाएंगे। वेल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर विपिन भोसले को ये सब काम करना होता तो वो ये चीज काफी पहले कर देता, क्योंकि उसके पास गायतोंडे जैसा सरफिरा इंसान था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ अलग सोचा है। तो ये हथियार किसके है? वेल, ये हथियार मेलकम के बॉस की है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि टेररिस्ट को अगर देश में हमले करने हैं तो उसे ये सारे हथियार अपने साथ लेकर आने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जब शहर में हथियार मौजूद होंगे तो उन्हें बाहर से हथियार लाने का रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, और वो सारे टेररिस्ट उस हथियार को लेकर शहर पर हमला कर देंगे। ये प्लानिंग सारे टेररिस्ट की है। तो फिर इन सब कामों के लिए विपिन भोसले टेररिस्ट की मदद क्यों कर रहा है? वेल, तो जैसा कि आप सबने ध्यान दिया होगा, सेक्रेट गेम के सीजन 1 में हमने मेलकम के साथ एक और को देखा था जिसका नाम था अरुण अरोरा। तो सीजन 2 में इस कैरेक्टर का काम मेरे हिसाब से काफी ज्यादा होगा, और यही मेलकम का बॉस है, और इसी ने मेलकम को ये ऑर्डर दिया है कि वो जाकर गायतोंडे के पूरे आदमियों को मार दे, क्योंकि गायतोंडे ने उनके साथ गद्दारी की है। ये बात भी स्टार्ट में ही क्लियर हो गई थी, जहां पर मेलकम गायतोंडे के एक आदमी से बंटी का पता पूछता है, क्योंकि सारे माल बंटी के पास ही होते हैं, यानी वो सारे वेपन्स जो अब मुंबई पुलिस के हिरासत में है सरताज सिंह की बदौलत। यानी मुंबई पर जो टेररिस्ट का खतरा था वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनके सारे प्लान्स पर पानी फिर गया है। लेकिन फिर भी अभी मुंबई से बड़ा खतरा नहीं टला है, क्योंकि अब भी 14 दिन बाकी है, जिसकी वार्निंग हमें पूरे सीजन 1 में ही सुनाई दी। और जो गद्दारी की बात चल रही थी वो ये था कि तरुण से जो वादा गायतोंडे ने किया होगा वो गायतोंडे ने पूरा नहीं किया, यानी उसके सारे माल की डिलीवरी और साथ ही साथ वो सारे नकली नोट जिसे सरताज सिंह और कांस्टेबल केलकर ने जोजो के घर पे ढूंढा था। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बदले में तरुण का कैरेक्टर ऐसी कौन सी
चीज देने वाला था गायतोंडे को, जिसकी खबर गायतोंडे को भी नहीं थी, क्योंकि वो एक अंधे भक्त की तरह अपने तीसरे बाप को फॉलो करता था और उसकी हर एक बात मानता था। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों ने उसे ही धोखा दे दिया और वो धोखा था न्यूक्लियर अटैक का। तो जब ये खबर गायतोंडे को पता चल गई होगी कि उन लोगों का प्लान पूरे मुंबई पर न्यूक्लियर अटैक करवाना है, तो शायद गायतोंडे उनकी तरफ से हट गया होगा। यानी 14 दिन बाद पूरी मुंबई न्यूक्लियर अटैक का शिकार हो जाएगी, जिससे मेरे हिसाब से सारी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। यानी गुरुजी का प्लान यहाँ पर सिर्फ इंडिया से ही मुसलमानों को खत्म करने का नहीं है, उनका इरादा पूरी दुनिया से मुसलमानों को खत्म करने का है। तो इन सब में गायतोंडे का रोल ये था कि वो जाकर तरुण जैसे टेररिस्ट से न्यूक्लियर बम की डिमांड करे, उसके बदले में वो उसे इतने हथियार सप्लाई कर देगा जिससे पूरा एक शहर तबाह हो सके, और साथ ही साथ कुछ नकली नोट्स जिसकी मदद से वो देश को और खोखला कर दे। लेकिन जब ये बात जब गायतोंडे को पता चली होगी, तो गायतोंडे ने यहाँ पर बंटी को कॉल कर ये बताया होगा कि वो माल की डिलीवरी रोक दे, ताकि इससे मेलकम को ये ऑर्डर मिल जाए कि वो सभी लोगों को मार दे। लेकिन फिर बंटी अपनी जान बचाने के लिए मेलकम को उसका माल दे देता है, जिसके बाद बंटी को भी मरना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े मिशन में अगर बंटी पकड़ा गया और उसने अपना मुंह खोल दिया कि टेररिस्ट की क्या प्लानिंग है, तो इससे सारा मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी सीजन खत्म होते होते टेररिस्ट की सारी प्लानिंग फेल हो गई है। तो सीजन 1 के एंड में हमने जो सीन देखा, जहाँ पर सरताज सिंह ने ये पता लगा लिया कि त्रिवेदी मारा जा चुका है, तो वो एक बंकर था जिसे बनाया जाता है न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए, और वहाँ पर काफी सारा राशन भी था जिसकी मदद से त्रिवेदी शायद कई महीनों या फिर कुछ साल तक जिंदा रह सके। लेकिन इसकी खबर जब त्रिवेदी ने गायतोंडे को दी होगी, तो गायतोंडे ने वहीं पर त्रिवेदी को मार दिया होगा, और उसके बाद जोजो को भी, क्योंकि ये बात जोजो को कई साल पहले ही पता चल गई थी कि उन लोगों की प्लानिंग क्या है। यानी यहाँ पर गायतोंडे को सीधे सीधे बेवकूफ बनाया जा रहा था, और मुझे लगता है इस प्लानिंग के बारे में सिर्फ गुरुजी, विपिन भोसले और त्रिवेदी को ही पता होगा, बाकी बचा पुलकर को इस बारे में खबर नहीं होगी। इसलिए वो एंड में विपिन भोसले के खिलाफ हो जाता है, ताकि उसे भी पता चले कि उन लोगों ने ऐसी कौन सी प्लानिंग कर ली है। बल तो अभी के लिए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि सीजन 2 में हमें क्या देखने मिलेगा। और बात की जाए इसकी बुक की, तो इसकी बुक को पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिला, और मुझे लगता है जब सीजन 2 स्टार्ट होगा तो उसकी रफ्तार काफी तेज होगी, क्योंकि इतने कम टाइम में उन्हें काफी कुछ बताना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि सीजन 2 में सेक्रेट गेम की वेब सीरीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और मेरे हिसाब से खत्म ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस ने काफी सालों से भाईगिरी के ऊपर काफी सारी फिल्में देखी है, और अब ऐसे में इस सीरीज को कंटिन्यू रखना सही नहीं होगा, खास करके नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर इंडिया को छोड़कर बाकी दूसरे देश भी नेटफ्लिक्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं, और ऐसे में उन लोगों के दिमाग में ये चीज छप जाएगी कि इंडिया में ऐसा ही होता है। लेकिन आप सबको पता है कि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन उसे रियलिटी टच कर बनाया गया है, तो इस चीज की समझ दूसरे देशों को नहीं होने वाली। लेकिन कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए गए थे, जैसे कि मुझे लगता है ईसा का कैरेक्टर दाऊद का है और गायतोंडे का कैरेक्टर अरुण गौली का, और स्टार्ट में हमने जो सलीम भाई का कैरेक्टर देखा था वो था हाजी मस्तान। तो मुझे एक चीज समझ ये नहीं आई कि जब इस वेब सीरीज में हिंदू मुस्लिम के दंगे दिखाए गए, बॉम्बे ब्लास्ट दिखाया गया, यहाँ तक कि सरकार और नेताओं के असली नाम दिखाए गए, तो सभी कैरेक्टर्स के नाम क्यों चेंज कर दिए गए? जब उन्हें बाकी की सभी चीज रियल दिखानी थी, तो फिर सभी कैरेक्टर्स के नाम उन्हें रियल ही रखने चाहिए थे, क्योंकि इस चीज पर सेंसर बोर्ड का कोई हक नहीं बनता है, और वो लोग इन सब चीजों में बीच में दखल भी नहीं दे सकते। खैर जो भी हो, हमें इस वेब सीरीज से ये तो पता चला कि इंडिया में कितना टैलेंट छुपा है, और वो लोग सिर्फ भाईगिरी ही नहीं बाकी दूसरी चीजें भी बना सकते हैं बिना सेंसर बोर्ड के डर से। यानी फ्यूचर में वेब सीरीज की बारिश होने वाली है, जिन्हें लोग काफी मजे लेकर देखने वाले हैं, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स की तरफ से एक और वेब सीरीज आने वाली है, और उस वेब सीरीज का नाम है गोहुल, जिसमें हमें राधिका आपटे नजर आने वाली है। ये एक हॉरर वेब शो होगा, जिसके ट्रेलर को ही देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप कि ये वेब सीरीज भी काफी अच्छी होगी। वैसे बात की जाए इस वेब सीरीज की रिलीज डेट की, तो इस वेब सीरीज की रिलीज डेट है 24 अगस्त। इसके साथ साथ अमेजोन प्राइम की तरफ से भी एक वेब शो आने वाला है, जिसका नाम है मिर्जापुर। खैर उसकी तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी सेक्रेट गेम की ही तरह गैंगस्टर बेस्ड शो ही होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में हमें और कितनी बेस्ट वेब सीरीज देखने मिलेगी, क्योंकि अभी तो बस ये शुरुआत है, और सेक्रेट गेम इन वेब सीरीज में सबसे पहली वेब सीरीज है। वेल तो ये थी सेक्रेट गेम की एंडिंग एक्सप्लेन, जिसमें मैंने आपको थियोरीज लगाकर ये बताया कि हमें सीजन 2 में क्या देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी आप इस वेब सीरीज को इतना ज्यादा सीरियस ना ले, खास करके धर्म के मामले में, क्योंकि इस सीजन में गायतोंडे ने ये भी कहा था कि आज के तारीख में सबसे बड़ा धंधा है धर्म का, जिसे लेकर कुछ लोगों को चूतिया बनाते हैं। तो आप इन सब मामले में ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि इस वेब सीरीज से भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के पहले हमारे इंडिया में ऐसी काफी सारी फिल्में बन
चुकी है जिसमें सोशल मैसेज छुपा हुआ है, लेकिन उसे देखकर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही हाल इस सीरीज का भी होगा। वेल, तो आपकी क्या राय है सेक्रेट गेम की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इसके सीजन 2 के लिए। और अगर आप मुझसे ये पूछो कि इसका सीजन 2 कब तक आएगा, तो मैं आपको सीधा और साफ बताऊं तो 2020 तक, क्योंकि इस वेब सीरीज के एक्टर सैफ अली खान ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो सीजन 2 की शूटिंग इसी साल सितंबर से शुरू करेंगे। तो वेट कीजिए 2020 का, जिसके बाद हमें इसका सीजन 2 देखने मिलेगा। वेल, तो बस मैंने काफी सारी डिटेल दे दी आपको, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।